विधायक सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में कर्नाटक एमटा कंपनी के विरोध में आंदोलन किया गया। विधायक सुधीर मुनगंटीवार इनके नेतृत्व में कर्नाटक एमटा कंपनी के विरोध में आंदोलन किया गया। सतीश देठे इस प्रकल्प ग्रस्त ने आत्महत्या की। बरांच खुली कोयला खदान से संबंधित प्रकल्प ग्रस्त किसान और गांव वासियों की समस्या हल करने के लिए कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और महाराष्ट्र शासन इनमें सन 2016 में करार होने के बाद भी पुनर्वसन करार की अमल पचावनी न करते कंपनी प्रशासन कोयला उत्पादन कर रहा है। कंपनी प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन का धाक देकर बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन शुरू है। कंपनी की इस नकारात्मक भूमिका से प्रकल्प ग्रस्त किसान कामगार इनमें असंतोष निर्माण हुआ है। 15 दिसंबर 2016 को हुए करार के मुताबिक पूर्व कार्यरत प्रकल्प ग्रस्त कामगारों की समस्या हल करने के लिए उन्हें सुधारित नियुक्ति पत्र देना और 1 अप्रैल 2015 से बचे बकाया वेतन भविष्य निर्वाह निधि साथ ही नया वेतन निर्धारण कर माह दिसंबर 2020 से बकाया वेतन अदा करना, बचे प्रकल्प ग्रस्तों को कायम स्वरूपी कंपनी में सेवा में समा लेना, ब्रांच मुकासा चेक ब्रांच और दोनों ही गांव का पुनर्वसन कर मुआवजा देना, इन मांगों की ओर कंपनी व्यवस्थापन अनदेखी कर रही है। 50% खेत जमीन या 1,04,00,000 रुपए मदद की घोषणा की थी, उस मुताबिक जल्द 4,00,000 रुपए दिए जाए। 10% जमीन बची है, उस पर जाने के लिए रास्ता भी नहीं, वह कंपनी केपीसीएल या एमटा ने खरीदे, ऐसी मांग भी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस समय की। तत्पश्चात मंच पर मान्यवरों का आगमन हुआ, मंच पर उपस्थित मान्यवरों का स्वागत किया गया। इस समय जिला परिषद की अध्यक्ष संध्या गुरनोले, भाजपा के जिला अध्यक्ष देवराव भोंगले, महानगर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, वरोरा नगरा अध्यक्ष अहते श्याम अली, आशीष देवतले, नामदेव डाहुले, चंद्रकांत गुंडावार, नरेंद्र जूतोड़े, अजय दुबे, डॉक्टर भगवान गायकवाड़, विवेक बोढ़े, ब्रीजभूषण पासारे, विशाल निम्बाड़कर, राहुल पावड़े, संदीप आवारी आदि की प्रमुखता से उपस्थिति थी। संचालन प्रवीण ढेंगने ने किया। आंदोलन में किसान प्रकल्प ग्रस्त कामगार इनका खासा प्रतिसाद मिला। इस समय विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने अपने विचार व्यक्त किए, मांगे पूरी होने तक आंदोलन की श्रृंखला शुरू रखने का आह्वान भी इस समय मुनगंटीवार ने किया। अन्यायाची परिसीमा लागली, इथं कर्नाटक एमटा नावाची कोळसा खदान जेव्हा आली तेव्हा या ठिकाणचा ब्रांच मुकासा व चेक ब्रांच या शेतकऱ्यांच्या शेती घेताना करार झाला। या करारामध्ये स्थानिक लोकांना नोकरी देऊ, नोकरी दिली नाही तर प्रकल्पग्रस्तांना 5,00,000 रुपयाचा विशेष निधी देऊ, या ठिकाणी त्यांना वेजेस देऊ, वेतन देऊ, पीएफ देऊ असं सांगितलं आणि आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण न करता कोळसा खाण सुरू केली। उपाध्याय नावाचा हा कोळसा खाणचा पश्चिम बंगालमधला व्यक्ती इथं अन्याय करतो आहे, दडपशाही करतो आहे, तानाशाही करतो आहे। आज यांच्या जेवण्यामध्ये आज कोळशाचा भुकटी इथं खावी लागते। याच्या विरुद्ध भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष देवरावजी, या ठिकाणचे पंचायत समिती सभापती ठेंगणेजी, नरेंद्र जीवतोडेजी व इतर सर्व प्रकल्पग्रस्त बांधवांनी आंदोलन सुरू केलं आहे। आमची चेतावणी आहे की जो करार 2016 झाला त्या कराराची अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्या करारानुसार जो करार झाला त्यानुसार जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोळसा खदान सुरू करू नये। आजपासून 15 दिवस तिथं कष्टकरी शेतकरी उपोषणाला बसतील आणि 28 तारखेनंतर तरी चार प्रकल्पग्रस्ताच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही मग दिवाळीमध्ये मात्र जनता त्यांना फटाके लावल्याशिवाय राहणार नाही।